नमस्कार बच्चों, वेलकम टू योर प्यारा प्यारा चैनल प्रैक्टिस मास्टर। बच्चों सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म की पहचान बता दूं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने क्या वाला है। देखो बच्चों, इस प्लेटफॉर्म पे बच्चे इस उम्मीद से आते हैं कि उनको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में एनसीईआरटी इंक्लूड होगी, रेफरेंस इंक्लूड होगी, और जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, एआईपीएमटी और नीट के क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे हर एक टाइप के कि बच्चे कहेंगे कि हाँ, अब हमको इसके बाहर लगता नहीं है कि कोई क्वेश्चन रह गया होगा, जिससे आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे और आपको लगेगा कि हाँ बस इसके बाहर अब कुछ नहीं है, और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम सेंटर में जाओगे और अटेंड करके आओगे सारे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। ये है इस प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का यूनिट एंड मेजरमेंट डायमेंशन एनालिसिस पार्ट लेक्चर 2। लेक्चर 1 ऑलरेडी यूट्यूब पर पढ़ चुका है, जिसमें मैंने डायमेंशन फॉर्मूलाज निकालने सिखाए हैं। जितने डायमेंशन फॉर्मूलाज मैंने निकाल दिए उसके बाहर एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, वो आप आराम से जाके लगा लीजिए प्रैक्टिस के लिए, और चेक कर लीजिए कहीं आपने कोई ऐसा तो नहीं जो नहीं लगाया हो, पता लगा एग्जाम में आ जाए, तो वो चीज चेक कर लीजिएगा। खैर, मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको उसी वीडियो में बता दिया था कि देखिए इस डायमेंशन एनालिसिस चैप्टर के अंदर डायमेंशन फार्मूला निकालने के अलावा चार टाइप में मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। टाइप 1 में होंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के न्यूमेरिकल, टाइप 2 में होंगे चेकिंग द फार्मूला के न्यूमेरिकल, टाइप 3 होंगे मेकिंग द फार्मूला के न्यूमेरिकल, और टाइप 4 होंगे मिसलेनियस, जिसमें टाइप 1 कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के न्यूमेरिकल्स मैं इसमें लेकर के आया हूं, ठीक है, लेक्चर 2 में। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा, ठीक है। तो बच्चों हमारी जो हेडिंग है वो है टाइप 1 कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, इसको सीखिएगा। दरअसल आपको जो सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के, वो इस तरह से आएंगे। आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दी जाएगी, फॉर एग्जांपल फोर्स, और उसकी कुछ वैल्यू दे दी जाएगी, जैसे कि 5 न्यूटन, ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू दे दी जाएगी, जैसे फोर्स की वैल्यू है 5 न्यूटन, फोर्स यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है। अब आप जानते हो कि न्यूटन जो है वो MKS सिस्टम में एक यूनिट है फोर्स की, ठीक। अब जो सवाल पूछा जाएगा उस सवाल में कहा ये जाएगा कि इस यूनिट को MKS से CGS में बदलो, ठीक, यानी कि न्यूटन से डाइन में बदलो। भाई डाइन जो है फोर्स की यूनिट है CGS सिस्टम में, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि अरे न्यूटन से डाइन ही तो करना है, न्यूटन बराबर होता है 10^5 डाइन, तो न्यूटन की जगह पे लिख देते हैं 10^5 डाइन, और ये आंसर आ जाएगा, और आप कर भी बिल्कुल सही रहे हो, इसमें खराबी थोड़ी ही है कोई, ठीक। एक और एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे कि क्या है, आपको एक यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दी है। अब सर ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, तुम्हें क्या करना, तुम्हारे लिए ये वाई है, ठीक है, आगे तो समझोगे ही चैप्टर्स में। अब वाई की वैल्यू दे दी गई है 2 × 10^11, ठीक, और यूनिट दे दी गई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। अब जो सवाल आएगा उस सवाल में ये कहा जाएगा कि इसकी यूनिट को MKS से CGS में बदलो। भैया ये जो यूनिट है ये MKS सिस्टम में है, ठीक है, अब इस MKS सिस्टम से इसको किस सिस्टम में बदलना है, CGS सिस्टम में बदलना है। तो आप क्या सोचोगे, न्यूटन से डाइन लाना है और मीटर से लाना है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से समझो, आप क्या सोचोगे कि लॉग 2 × 10^11 लिखा हुआ है, लिख देते हैं, न्यूटन की जगह डाइन लाना है, 10^5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डाइन लिख देंगे, क्योंकि 1 न्यूटन की जगह पे 10^5 डाइन लिख दिया जाता है। अपॉन में आप देख रहे हो, अपॉन में मीटर है, तो आप कहोगे कि हम अपॉन में सेंटीमीटर कर देंगे, मीटर की जगह पे 100 लिख देंगे। भाई मीटर का स्क्वायर है, यानी 2 बार मीटर है, तो हम 2 बार 100 लिख देंगे और मीटर की जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कि भैया ऊपर जो है पावर 5 है, 1, 2 और 3 और 4, ये 4 कटने के बाद ऊपर 1 पावर बचेगी,
और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 और 1 12 और ये आ गया टाइम और पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक, और आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आप गलत नहीं कर रहे हो। लेकिन सवाल ने केवल इतना नहीं बोला कि कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम MKS टू CGS, सवाल बोलता है इस पेपर में जो सवाल आएगा, ठीक है, इस चैप्टर से उसमें सवाल आएगा कि कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम MKS टू CGS बाय डायमेंशन मेथड। अब ये जो आ गया साथ में शब्द जो लग गया डायमेंशन मेथड, ठीक है, इसकी वजह से अब हम डायरेक्ट कन्वर्ट करके सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि डायमेंशन एक मेथड, डायमेंशन मेथड लगाएंगे और उस डायमेंशन मेथड से हम इस यूनिट को MKS से CGS में बदलेंगे। तो इतनी बात क्लियर कि हम बदल तो डायरेक्ट भी सकते थे, लेकिन सवाल ने बोल दिया कि कन्वर्ट तो करके दिखाओ MKS से CGS में, लेकिन लेकिन डायमेंशन मेथड का यूज करके कन्वर्ट करो। अब यहां पे हम डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट कर सकते, हमें डायमेंशन मेथड का यूज करके कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल कन्वर्ट सबसे सस्ता ले लेते हैं, एग्जांपल कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू टाइम, ठीक है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू टाइम बाय डायमेंशन मेथड। कौन सा मेथड? डायमेंशन मेथड। तो आपको 1 न्यूटन से डाइम में कन्वर्ट करना है और मेथड जो है वो डायमेंशन मेथड होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। करेंगे भैया हम ऐसे कि पहला काम होगा कि जरा देखो ये यूनिट किसकी है। सर ये तो फोर्स की यूनिट है, तो पहला काम होगा कि तुम फोर्स की डायमेंशन लिख दो। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स, भाई फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है पूरा लिखना एग्जाम में, डायमेंशन, ठीक है, डिम मत छोड़ देना। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होती है, MLT-2। पिछले क्लास में मैंने सिखा रखा डायमेंशन फार्मूला निकालना, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है, MLT-2। ठीक, अब इसमें लिखा है कि यूनिट को कन्वर्ट करो बट बाय डायमेंशन मेथड। तो अब डायमेंशन मेथड से जब कन्वर्ट करते हैं तो एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। किसका? एक फार्मूले का। जो फार्मूला है वो होता है N2 is equal to N1 साथ में यहाँ। हाँ तो देखो ये वाला सवाल समझा रहा था ना मैं, अब तुम सोच रहे होगे शर्ट चेंज हो गई। अरे भाई प्रॉब्लम्स आई काफ़ी सारी इस वीडियो को बनाने में, लाइट वगैरह चली गई बार बार और कुछ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई। चलो तुम सवाल पे कॉन्सेंट्रेट करो, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइम और वो भी कैसे, बाय डायमेंशन मेथड। अगर ये डायमेंशन मेथड ना लिखा होता तो हम सीधे सीधे लिख देते कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर 5 डाइम, और हमारा आंसर बस इतने में हो जाता। लेकिन उसने बोल दिया आगे कि डायमेंशन मेथड से 1 न्यूटन को डाइम में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे तुम, तो ध्यान से देखना। पहला सबसे स्टेप क्या होता है कि देखा करो कि ये जो यूनिट है ये किस फिजिकल क्वांटिटी की है। पहला स्टेप है ये जो यूनिट है किस फिजिकल क्वांटिटी की है, सर ये फोर्स की यूनिट है। तो सबसे पहला काम होता है कि तुमको फोर्स की डायमेंशन लिख लेनी है, डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या है, सर MLT-2, ये लिख लो सबसे पहले, लिख लिया ना। उसके बाद डायमेंशन मेथड वाला फार्मूला लगा दो। वी नो दैट कि जो डायमेंशन मेथड का फार्मूला है वो है N2 इज इक्वल टू N1 इन ब्रैकेट M1 अपॉन M2, ठीक है, डायमेंशन ए L1 अपॉन L2, डायमेंशन बी T1 अपॉन T2, डायमेंशन सी, ये तुमने फार्मूला लिख दिया। ठीक है, अब तुम जानते हो कि जो यूनिट है जिसे हमें कन्वर्ट करना है वो है 1 न्यूटन, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है सर, तो 1 लिख दिया। और सर जो यूनिट है वो MKS सिस्टम में, यानी कि MKS सिस्टम में है ना यूनिट, इसका मतलब है जो यहाँ पे M1 है यानी मास वो MKS में रखना, L1 जो है वो भी MKS में रखना, और T1 जो है वो भी MKS में रखना। चलो मास क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा अगर MKS में रखा जाए, लेंथ क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी अगर MKS में रखा जाए, टाइम क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा अगर MKS में रखा जाए। तो बताओ भैया इतनी समझ में बात आई कि नहीं आई। सर आपने ऊपर डायमेंशंस नहीं लिखी ए बी और सी, लिखेंगे लिखेंगे। मास की डायमेंशन यहाँ कितनी है, 1 है ना, तो तुम्हारी ए की वैल्यू 1 है,
एल की डायमेंशन कितनी है, 1 है ना, तो यहाँ पे भी वैल्यू 1 है। और टाइम की डायमेंशन कितनी है, -2, तो यहाँ पर वैल्यू -2 है। खैर, हमें कन्वर्ट किस में करना है, सर डाइम में। डाइम कौन से सिस्टम में, सर सीजीएस में होती है, तो जो नीचे वाली यूनिट्स हैं ये सारी सीजीएस में रखना है। चलो सीजीएस में रखते हैं, तो ये ग्राम हो जाएगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये सेकंड का सेकंड ही रहेगा। अब करना इतना है कि तुमको ये जो पूरी यूनिट है ये सीजीएस में चाहिए ना, तुम्हें N2 जो निकाल रहे हो वो N2 का आंसर पूरा जो है सीजीएस में चाहिए ना, पूरा सीजीएस में अगर चाहिए तो ये जो ऊपर केजी है इसकी जगह लिख दो 1000 ग्राम अपॉन में, फिर ग्राम हो जाएगा, और मीटर की जगह लिख लो 100 सेंटीमीटर और अपॉन में फिर सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा सेकंड सेकंड तो कैंसिल हो गया, अच्छा सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कैंसिल, ग्राम ग्राम भी कैंसिल। तुम एग्जाम में कैंसिल करके मत दिखाना, क्योंकि फिजिक्स में कोई भी चीज इसे काटी नहीं जाती है, समझ रहे हैं? हाँ। अब ये 1000 × 100 क्या होता है, 10^5। तो N2 जो न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है वो कितनी आ गई है, 10^5। तो इससे हमने क्या देखा, हमने सर ये देखा कि आपका जो 1 न्यूटन था तो 1 न्यूमेरिकल वैल्यू थी, लेकिन अब न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई 10^5 अगर आप न्यूटन को डाइम में करते हैं तो। तो न्यूटन की जगह अगर आप डाइम लिखते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल के कितनी हो जाएगी, 10^5। बताओ तुमको समझ में आया? एक बार और रीकैप दे देता हूँ, ध्यान से समझना। क्या देखते हो तुम कि सबसे पहले देखा जाता है फिजिकल क्वांट, सबसे पहले देखा जाता है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो न्यूटन लिखा था तो हमने कहा फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, समझ रहे हो ना, सबसे पहले देखा जाता है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो न्यूटन लिखा था तो हम समझ गए फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन लिख लो, फिर डायमेंशन मेथड वाला फॉर्मूला लिख लो, इतना तो कर लोगे ना। अच्छा अब समझो, तुमको जो यूनिट दी गई थी वो MKS में दी गई थी, इसका मतलब ऊपर की सारी यूनिट MKS में रखनी है, मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में। जो तुमने कन्वर्ट करके आंसर लाना था वो CGS में लाना था ना, तो जितनी भी नीचे वाली यूनिट्स है वो सारी CGS में होंगी, ठीक। इतना करके रख दिया करो, फिर आगे पूछा करो कि तुमको फाइनल आंसर CGS में चाहिए ना, CGS में चाहिए, तो तुम सारी यूनिट CGS में बदलो, और CGS में बदलोगे तो तुम्हारी न्यूमेरिकल वैल्यू जो नहीं आएगी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आई वो कितनी आई, 10^5। और जब 10^5 आई है तो तुम क्या कहोगे, जब न्यूटन था तो 1 न्यूटन लिख दिया, और जब न्यूटन की जगह टाइम लिखा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल के 10^5 हो गई। इस तरह से सवाल किए जाते हैं। चलो अब बहुत सारे सवाल करते हैं, ठीक है। तो देखो ये मेरे सामने एक पेज है, इस पेज में मैंने कुछ सवाल लिख रखे हैं, ठीक है, किसी की एप्लीकेशन थी उस पर लिख डाले। तो अब जो है मैं ऐसे सवाल कराने जा रहा हूँ, ठीक है। ये सवाल सारे के सारे मैंने नोट करें, बता देता हूँ कहाँ से नोट करें, NCERT है, रेफरेंस है DC पांडे फिजिक्स की बुक है, वहाँ से नोट करें, ठीक है, इतनी जगहों से नोट करें। तो ध्यान से देखिए, तो जो दूसरा एक और क्वेश्चन है वो आपके सामने जो लिखा है वो क्या लिखा है, लिखा है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन द CGS सिस्टम इज 72 dyne per cm, व्हाट इज इट्स वैल्यू इन SI यूनिट में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलो भैया ध्यान से देख लो, ठीक है। सबसे पहला काम है कि सरफेस टेंशन दे रखा है, तो सरफेस टेंशन लिख लो, कितना दे रखा है, 72 dyne per cm ये दे रखा है, और बोला है कि इसकी वैल्यू क्या होगी इन SI यूनिट, इसकी वैल्यू क्या होगी इन SI यूनिट। अच्छा बच्चों अब ये बताओ, जो इस समय यूनिट दी गई है वो CGS में है कि MKS में है। तो आप बिल्कुल कहोगे कि सर अरे सर ये तो CGS में है, ठीक। आपको जो आंसर पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है SI यूनिट में, यानी MKS सिस्टम में। आप जानते हो ना कि SI यूनिट जो होती है वो MKS सिस्टम में होती है। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूनिट को SI यूनिट में कन्वर्ट करो, यानी यूनिट को MKS सिस्टम में कन्वर्ट करो, तो डाइम की जगह क्या हो जाएगा न्यूटन, और सेंटीमीटर की जगह क्या हो जाएगा मीटर, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी, जब यूनिट बदलती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल जाती है। तो चलिए न्यूमेरिकल वैल्यू नई वाली निकालते हैं, ठीक। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था कि देखो कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, सर फिजिकल क्वांटिटी तो टेंशन है, तो लिख लो भाई डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ऐसे लिख लिया। अच्छा सर मुझे सरफेस टेंशन का फार्मूला नहीं याद है, मैं डायमेंशन कैसे निकालूं इसकी, है ना, मुझे तो डायमेंशन फार्मूला भी नहीं याद है और मुझे सरफेस टेंशन का भी फार्मूला नहीं याद है जो मैं इस सरफेस टेंशन की डायमेंशन निकाल दूं यहां पर। तो कोई दिक्कत नहीं है, सरफेस टेंशन की यूनिट दिख रही है, ठीक है, यूनिट को देख लो, जिस तरह हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फार्मूला को उसके ओरिजिनल फार्मूला की हेल्प से निकालते हैं, उसी प्रकार से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला को उसकी यूनिट के हेल्प से भी निकाला जा सकता है,
दिखाते हैं कैसे। इसकी यूनिट क्या है? डाइन पर सेंटीमीटर। डाइन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। तो ऊपर डायमेंशन रख दो फोर्स की, और नीचे सेंटीमीटर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। तो नीचे डायमेंशन रख दो डिस्टेंस की। एल एल कैंसिल हो गया, ये आपका बन गया एम एल जीरो टी माइनस टू। बताओ अच्छा समझ में आया? आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। तो क्या सिखाया? वी नो दैट, हम जानते हैं। और हम क्या जानते हैं? हम डायमेंशन मेथड वाला फार्मूला जानते हैं। एन टू इज इक्वल टू एन वन, ठीक है, एम वन अपॉन एम टू डायमेंशन ए, ठीक है, एल वन अपॉन एल टू डायमेंशन कितनी है? बी। और टी वन अपॉन टी टू और डायमेंशन कितनी है? सी है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? पक्का? अच्छा अब क्या करना है सर? सर पहली न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी है? 72 दी है सर, रखो ना फिर। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि जो वैल्यू दी गई है वो किस सिस्टम में दी है? सर सीजीएस में। तो ऊपर वाला सारा मैटर सीजीएस में रहेगा, यानी मास, लेंथ और टाइम तीनों सीजीएस में रहेंगे। मास को क्या लिखोगे? ग्राम में। लेंथ को क्या लिखोगे? सेंटीमीटर में। और टाइम को किस में लिखोगे? सेकेंड में। तो ये पूरा जो ऊपर वाला सिस्टम था वो सीजीएस में है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया गया था वो सीजीएस यूनिट थी, इसलिए ऊपर वाला पूरा सिस्टम सीजीएस में है। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं सर कन्वर्ट किस में करना है। कन्वर्ट तो भैया एमकेएस में चाहिए, तो एमकेएस में चाहिए तो नीचे वाला पूरा सिस्टम एमकेएस में होगा। तो मास की जगह केजी होगा, लेंथ की जगह मीटर होगा, टाइम की जगह सेकंड होगा। इतना कर लिया, पक्का है? अब जरा डायमेंशंस मैच कर लो। मास की डायमेंशन कितनी? 1 है, लेंथ की 0 है और टाइम की -2 है। अब ध्यान से हमारी बात को सुनना, जरा बताना सेकंड सेकंड कैंसिल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। और ये देखो इसकी पावर कितनी? 0। इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1 होगी। तो जो आपका बच रहा है वो कौन बच रहा है? ग्राम अपॉन केजी, और पावर तो इसकी 1 है ही। अच्छा अभी और सुनते रहना। अच्छा अब समझो, जो फाइनल आंसर चाहिए वो एमकेएस में चाहिए कि सीजीएस में? सर हमको तो एमकेएस में चाहिए। तो ये जो पूरी यूनिट है ये पूरी यूनिट एमकेएस में बनाओ। तो ग्राम को अगर केजी में बदलोगे तो क्या लिखोगे? 1/1000। तो 1/1000 लिख लो, केजी अपॉन केजी लिख लो, केजी केजी कैंसिल, 72/1000 कितना होता है? 0.072। तो ये आपकी क्या आ गई? एन टू की वैल्यू, ये एन टू की वैल्यू आ गई। अब आप लिख सकते हो कि सो इस हिसाब से सर जो हमारी टेंशन 72 डाइम पर सेंटीमीटर थी, जब हमने इसको एसआई यूनिट में लिखा यानी एमकेएस सिस्टम में लिखा, तो डाइम की जगह न्यूटन कर दिया, सेंटीमीटर की जगह मीटर। और ऐसा करने पर ये जो वैल्यू थी ये बदल गई, अब वैल्यू हो चुकी है सर 0.072। तो बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 45 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। मैंने आपको एक्सीलरेशन दिया गया है 45 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। अच्छा जी आगे, फाइंड द वैल्यू इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नई वाली बतानी है, किस यूनिट में? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए सॉल्व करके देते हैं आपको, चलिए सॉल्व करके देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम क्या होता है? जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन लिख लो। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? एल टी माइनस टू। याद होना चाहिए, नहीं याद है तो निकालना आना चाहिए। पिछली वीडियो में जो डायमेंशन फार्मूला निकालना सीखो, उसको सीखो तो सीखो, उसको लर्न भी करो। किसके किसके लर्न होने चाहिए? फोर्स का लर्न होना चाहिए, वेलोसिटी का लर्न होना चाहिए, एक्सीलरेशन का लर्न होना चाहिए, वर्क का लर्न होना चाहिए, वर्क और एनर्जी जितनी भी प्रकार की हैं सबकी डायमेंशन सेम होती है, और प्रेशर का लर्न होना चाहिए। ठीक है, बस इतने तो कम से कम लर्न ही होने चाहिए कंपलसरी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब क्या करते हैं सर, फॉर्मूला रखेंगे। वी नो दैट कि N2 इज इक्वल टू क्या है? M1, और M1 अपॉन M2 A हो गया, और L1 अपॉन L2 B हो गया, और T1 अपॉन T2 और ये हो गया C। चल आगे बढ़ते हैं। पहली न्यूमेरिकल वैल्यू है 45, सर जी रख दो। ठीक, अब की बार जो यूनिट है वो MKS CGS वाला झोल नहीं है। अब की बोल रहे हैं कि डिस्टेंस की जगह किलोमीटर रखना। तो चलो भैया डिस्टेंस जो है उसकी जगह किलोमीटर रख देते हैं। अच्छा बोल रहे हैं टाइम की जगह मिनट रख देना, चलो भैया टाइम की जगह मिनट रख देते हैं। ठीक सर, क्या अब की बार आप एम वाली डायमेंशन नहीं रखोगे? भैया इन्होंने मास दिया ही नहीं, हम कैसे रख दें यहाँ पे? नहीं रखेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन की, अच्छा एक्सेलरेशन की डायमेंशन में देखो मास दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना।
तो इनकी डायमेंशन कितनी है? जीरो है। तो अगर आप इनको नहीं लिखोगे एग्जाम में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप केवल इतना लिख दो ठीक है कि L1 अपॉन L1 की जगह क्या लिख दो किलोमीटर, और ऊपर डायमेंशन लगा दो L की कितनी है, बी है, वन है ठीक है, L की डायमेंशन कितनी, वन है। टाइम को देख लो, टाइम मिनट में है तो मिनट लिख दो ठीक है, और अपॉन में ऐसे कर लो ठीक है, और डायमेंशन कितनी है टाइम की, -2 ठीक। और किनारे चाहो तो लिख दो सिंस, ऐसा इसलिए क्योंकि ए कितना है, ए जीरो है ठीक है, सिंस ए जीरो, इसलिए ए जीरो होने की वजह से मास वाला जो फॉर्मूला है वो गायब है यहाँ पर ठीक है, मास वाला टर्म गायब है। अब देखो भाई आपको कन्वर्ट करना है मीटर और सेकंड में, तो यानी डिस्टेंस आपके मीटर में होगी और टाइम आपका सेकंड में होगा, फिर इतना कर लो, कर लोगे ना तुम। अब बहुत आसानी से सॉल्व कर लो, किलोमीटर की जगह मीटर कर दो, 1000 मीटर करोगे ना, 1000 ये लिख दिया मैंने ठीक है ना, मिनट की जगह क्या करोगे 60 सेकंड, अच्छा 60 लिखोगे सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और ये बताओ यहाँ पे जब 60 सेकंड लिखोगे सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 60 की पावर कितनी है, -2, नीचे ले आओ उसको, तो 60 की पावर क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, पक्का है ना। अच्छा 60 की पावर +2 का मतलब होता है 60 × 60, अच्छा 10 10 10 10 कैंसिल हो गया, पक्का है ना। अच्छा 3 2 6, 3 1 3 5 कैंसिल हो गया ना, पक्का है ना। अच्छा 2 से काट लो, 2 5 10, पक्का हो गया ना। 3 से काट लो, 3 2 और 3 5, पक्का हो गया ना। तो आपका आ गया 5 5 25 अपॉन में आ गया 2, इसको डिवाइड कर देना 12.5 आ जाएगा, ये आपके N2 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू पर बच्चे, N2 में। सो अब आप लिख सकते हो कि सर हमारा जो एक्सेलरेशन है वो N2 की जगह में जो क्वेश्चन मार्क लगा रखा था आपने उसकी जगह आप 12.5 लिख लो, और ये कर लो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ भैया समझ में तुमको आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी से, आ गया ना। तो नेक्स्ट पे आते हैं, अब जो पूछ रहे हैं वो क्या है, कह रहे हैं सर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। फोर्स दे रखे हैं 100 न्यूटन, कह रहे हैं इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी इन अ सिस्टम हैविंग मीटर केजी एंड मिनट एज फंडामेंटल यूनिट। यानी इन्होंने बोला है कि फोर्स की नई वैल्यू बताओ ठीक है, नई वैल्यू बताओ जब हमारी जो यहां पर यूनिट रखी जाएगी इस जगह पे, जो भी जैसे रखते थे न्यूटन की जगह टाइम रख देते थे, तो अब की बार कह रहे हैं यहां पे जो यूनिट रखी जाएगी वो यूनिट जो है उस यूनिट में डिस्टेंस आपके मीटर में रहेगी, मास आपका किस में रहेगा, केजी में रहेगा, और टाइम आपका मिनट में रहेगा, ऐसा भैया इन्होंने बोला है ठीक, क्लियर है ना, सवाल समझ में आया, क्या बोला मैंने, मैंने ये कहा कि फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन दी है ठीक है, वो पूछ रहे फोर्स की नई वैल्यू बताओ जब न्यूटन को ऐसी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे जिस यूनिट में MKS हो नहीं होगा, CGS नहीं होगा, जिस यूनिट में दरअसल मास की जगह केजी होगा, डिस्टेंस की जगह मीटर, लेकिन टाइम की जगह मिनट होगा, समझ रहे हो। तो तुम्हें क्या टेंशन है, तुम्हें सबसे पहला काम क्या होता है, फोर्स की डायमेंशन लिखो, फोर्स की डायमेंशन लिख लेते हैं, कितनी है फोर्स की डायमेंशन, MLT-2 ऐसा लिख लो ठीक। फिर बोलो वी नो दैट, वी तो बहुत कुछ नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम फार्मूला जानते हैं N2 = M1 ठीक है, M1 / M2 ठीक है, डायमेंशन ए L1 / L2, डायमेंशन बी T1 / T2, डायमेंशन सी ऐसे करके लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो बताओ जरा पहली वैल्यू क्या है, 100 है, तो N1 की जगह 100 हो जाएगा। अब जरा बताओ जो पहली यूनिट है ये वाली, ये MKS में है कि CGS में, सर ये तो MKS में है, तो ऊपर वाला पूरा सिस्टम MKS में रखना, मास रख देना KG में ठीक है, लेंथ रख देना मीटर में, और टाइम रख देना बेटा जी सेकंड में, क्लियर है ना, पक्का है ठीक, इतना कर देना। हाँ तो भाई N1 की जगह क्या रखोगे, 100 ऐसे लिख दो यहाँ पे ठीक है। आगे बढ़ो, मास की डायमेंशन क्या है, 1 है, तो A की जगह क्या रखोगे, 1। फिर L की डायमेंशन क्या है, 1 है, तो B की जगह भी क्या रखोगे, 1। टाइम की डायमेंशन क्या है, -2, तो यहाँ पे क्या रखोगे, -2। अब पहले स्टेप में पूरा फार्मूला लिखना, दूसरे स्टेप में ये 1 1 -2 रखना ठीक है। और समझो मास, ये जो न्यूटन है ये किस सिस्टम में, MKS में है ना, तो तुम्हारा जो मास होगा वो किस में होगा, केजी में होगा, लेंथ जो होगी वो किस में होगी, मीटर में होगी, और टाइम किस में होगा, सेकंड में होगा, तभी तो जा करके MKS बनेगा।
अच्छा जो आंसर लाना है उसमें आंसर के अंदर मास किसमें चाहिए, केजी में, तो आंसर में मास केजी में कर दो। और लेंथ किसमें होनी चाहिए, मीटर में, तो आंसर में जो लेंथ है वो मीटर में कर दो। और टाइम किसमें होना चाहिए, मिनट में, तो आंसर में जो टाइम है वो मिनट में कर दो। ऐसे इतना कर दिया, केजी केजी कैंसिल गायब हो गया, मीटर मीटर कैंसिल गायब हो गया, वन हो गया ना इनकी जगह। सेकंड है, लिखा रहने दो, अपॉन में मिनट है। सर ये बताइए कि हमको जो आंसर चाहिए उसमें टाइम किसमें चाहिए, मिनट में चाहिए ना, तो हम सेकंड में नहीं रहने देंगे, सेकंड जो है उस सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/60 मिनट। और फिर ऐसे नीचे भी मिनट लिख दो, पर इतना करने के बाद पावर क्या रहा, माइनस का 2, ये और ये कैंसिल हो गया, अब 100 लिख देना। अच्छा ये बताओ, ये 1/60 की पावर माइनस 2 है, ऊपर ले जाओगे तो 60 की पावर प्लस 2 हो जाएगी, 60 की पावर प्लस 2 का मतलब 3600, तो ये N2 की वैल्यू आ गई। अब N2 की वैल्यू बताओ, तो तुम कहोगे सर 36×10 की पावर 4 है, ठीक, 36×10 की पावर 4 है। अब आप सब जानते हो पॉइंट के बाद तो जीरो होता ही है, अगर पॉइंट को एक प्लेस पीछे ले जाएंगे 3.6 बना देंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो N2 जो नई न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10 की पावर 5। इतनी बात क्लियर है ना, पक्का है। तो अब आंसर कैसे लिखते हैं, आंसर ऐसे लिखते हैं कि सर फोर्स जो आया है उस फोर्स में क्वेश्चन मार्क की जगह पे नई न्यूमेरिकल वैल्यू है सर, 3.6×10^5 है, ठीक है। और जो यूनिट सर मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ वो क्या होगी, वो होगी केजी मीटर पर मिनट स्क्वायर। सर ये तो हमें भी पता था कि जो यहाँ पर यूनिट है इस यूनिट में मास केजी में, डिस्टेंस मीटर में और टाइम मिनट में होगा, लेकिन सर आपको कैसे पता कि केजी मीटर पर मिनट स्क्वायर है, तो यह फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है एमए वाला तुमने, अगर पढ़ा हो तो तुमको पता होगा मास की एसआई यूनिट केजी होती है और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इस तरह से फोर्स की एक और यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको देख के पता चलता है कि सर यहाँ पर केजी होगा, उसके बाद यहाँ पर लेंथ होगी और अपॉन में टाइम का स्क्वायर होगा, टाइम मिनट में था इसलिए मिनट का स्क्वायर, और ये आपका आंसर है। अच्छा बताओ समझ में आया कि नहीं आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकंड। यानी कि सर अब की बार हमें वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकंड। बच्चों एक काम किया करो कि पहले नंबर पे पॉज करके सवाल को खुद ट्राई किया करो, उसके बाद वीडियो का आंसर देखा करो, ये काम किया करो, जैसे मैंने सवाल दिया वीडियो पॉज करके आंसर करो, उसके बाद जब ना हो तो यहाँ पर देख लो, या होने के बाद भी स्क्रॉल करके आंसर मिला लो, इससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है। चलो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितनी है, 332 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इसको कन्वर्ट करके दो किलोमीटर पर आवर में, यानी नई न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ और यूनिट होनी चाहिए किलोमीटर पर आवर। अब देखो भैया ध्यान से कैसे करेंगे, क्या सिखाया तुमको, सबसे पहले तो डायमेंशन लिख लो, तो डायमेंशन ऑफ वी यानी वेलोसिटी क्या होती है, LT-1, इतना कर लिया। अब क्या करेंगे सर, अब वी नो दैट करके फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो वी नो दैट जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, N2 = N1, और फिर ब्रैकेट में सर M1/M2, ऊपर डायमेंशन ए होगी सर L1/L2, डायमेंशन बी होगी सर और T1/T2, डायमेंशन सी होगी सर। एग्जाम में इतना किया करो, उसके बाद देखा करो यहाँ पे मास तो है नहीं, तो तुम मास वाला टर्म ऐसे गायब कर दिया करो और केवल लिखा करो L1/L2, डायमेंशन बी, T1/T2, डायमेंशन सी, ऐसे किनारे लेकिन लिख जरूर देना, सिंस ऐसा इसलिए क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है, जीरो है, ए यानी मास की डायमेंशन, मास यहाँ है नहीं तो भाई मास को कैसे लिखोगे, M0, मास है नहीं तो मास को कैसे लिखोगे, M0, तो मास की डायमेंशन क्या है, जीरो। अब यहाँ अगर जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, N1 यानी पहली न्यूमेरिकल वैल्यू 32 है, जो क्वेश्चन दिया है उसमें यूनिट में मीटर है और सेकंड है, तो आप भी क्या करोगे, ऊपर वाला सारा सिस्टम मीटर में रखोगे और सेकंड में रखोगे, चलिए खैर इतना आप कर लेंगे। अच्छा जो आंसर लाना है उसमें डिस्टेंस किलोमीटर में होनी चाहिए, तो जो आंसर है उसमें लेंथ किलोमीटर में होगी, टाइम आपका आवर में होगा, आवर लिख दीजिएगा, इतनी बात क्लियर है। अच्छा जरा ये बताओ इस बी की जगह पे क्या है, बी की जगह 1 है तो यहाँ 1 रख देना, टाइम की डायमेंशन क्या है, -1 है, यहाँ -1 रख देना, इतनी बात क्लियर है। अच्छा जी सो इस हिसाब से देखा जाए तो N2 की वैल्यू हुआ है 332। अच्छा सर, हमको आंसर तो किलोमीटर पर आवर में चाहिए,
यहाँ पे तो डिस्टेंस मीटर और टाइम सेकंड में दिया है, तो बिल्कुल चेंज करो तुम, मीटर को किलोमीटर में चेंज करो, क्या लिखोगे, 1/1000 मीटर लिखोगे ना, तो 1/1000 मीटर ऐसे करके लिख देना, 1/1000 किलोमीटर मतलब, है ना, 1/1000 किलोमीटर ऐसे करके लिख देना। अच्छा फिर आगे बढ़ जाना, तुमको टाइम जो चाहिए वो आवर में चाहिए, तो सेकंड की जगह आवर चेंज करो, सेकंड को अगर आप आवर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 3600 सेकंड, कितना हो जाएगा 3600, 1/3600 और ये आवर, ऐसे करके लिख लेना, इतना तो कर लेंगे ना, समझ में आया कि नहीं है? भाई आपने सर सेकंड की जगह 1/3600 आवर क्यों लिखा? बेटा एक घंटा जो होता है वो होता है 3600 सेकंड, तो अगर 1 सेकंड लिखोगे तो वो हो जाएगा 3600 को अपॉन में भेजो 1 के, तो 1/3600 आवर ऐसा हो जाता है। इतनी बात क्लियर है ना? तो 1/3600 आवर लिख दिया, अब आवर आवर कैंसिल, एग्जाम में काट के मत दिखाना, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल। सो इस हिसाब से देखा जाए सर, यहाँ पे कर देता हूँ, सो इस हिसाब से देखा जाए सर, तो N2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 332 इतना लिख दो, उसके बाद क्या है, 1/1000 है, उसको ऐसे लिख दो, उसके बाद क्या है सर, 1/3600 है, लेकिन सर पावर क्या है, -1, ऊपर ले जाइए सर, पावर जब प्लस में हो जाएगी तो हो जाएगा 3600, 2020 काट देना, इतना तो कर लोगे ना। अब 36 को क्या करोगे, 332 से मल्टीप्लाई कर लो, जरा मल्टीप्लाई करके बताना कितना हो रहा है, 332 को 36 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 12 2 11 6 8 9 9 11 6 8 9 9 3 2 6 3 9 3 9 और ये 2 9 10 12 13 5 करेगा 1 9 9 18 19 का 9 कर लेगा 1 9 10 11 ठीक, तो 1 1 9 5 2 1 1 9 और 5 और 8 2 और अपॉन में कितना है 10, तो आपके N2 की वैल्यू आ रही है 1 1 9 5 और पॉइंट में 2, तो ये आपके N2 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, N2 की, यानी ये नई न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई है। तो आप अपना आंसर कैसे लिखते हैं, आप अपना आंसर लिखते हैं कुछ इस तरह से कि सर हम वेलोसिटी ले आए हैं, नई वेलोसिटी आई 1195.2 इस तरह से, और किलोमीटर पर आवर में आई है सर, किलोमीटर पर आवर में आई है सर, तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। और बताइए सर आपको समझ में आया कि नहीं है? चलिए नए क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ फोर्स, द वैल्यू ऑफ फोर्स इज 36 यूनिट, आपको फोर्स की वैल्यू दी है 36 यूनिट, कितनी दी है 36 यूनिट, 36 यूनिट जो यूनिट है इन अ सिस्टम, यूनिट इज इन अ सिस्टम, जो यूनिट है वो एक सिस्टम में है, जिस सिस्टम में डिस्टेंस को मीटर में रखा गया है, मास को केजी में एंड टाइम को मिनट में रखा गया है, ठीक है, जो ये यूनिट है इस यूनिट को बनाते समय डिस्टेंस मीटर में, मास केजी में और टाइम को मिनट में रखा गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं व्हाट विल बी द वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम, बताओ कि अगर हम आंसर सीजीएस सिस्टम में निकालें तो आंसर क्या होगा, यानी कि नई न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है और सीजीएस सिस्टम में आंसर होना चाहिए, यानी ये जो यहाँ यूनिट आएगी ये सीजीएस में होगी। अभी आपको बताया था कि फोर्स की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस में लिखोगे तो लिखो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी कि आपको जो यूनिट आपको जो यूनिट निकालनी है वो कुछ ऐसे निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहला काम होता है डायमेंशन लिख लेना, फोर्स की डायमेंशन लिख लो, क्या डायमेंशन है, MLT-2 इतना कर लो, उसके बाद क्या, उसके बाद अपना फॉर्मूला लिख दो। अब की बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप पहली लाइन में फॉर्मूला लिखिएगा फिर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटिंग करिएगा, ठीक है, एन टू इक्वल एन वन की जगह वैल्यू कितनी होगी, एन वन की जगह फॉर्मूले में जो एन वन होता था उसकी जगह 36 है, और फिर क्या है, फिर जो मास रखते हैं एम वन वो किस में होगा, मास होगा केजी में, तो केजी लिख देते हैं, ठीक है, अच्छा फिर जो लेंथ रखेंगे वो मीटर में लिखेंगे, अच्छा फिर जो टाइम रखेंगे वो मिनट में लिखेंगे, अच्छा इतना हमने कर दिया, क्लियर है ना। डायमेंशन है 1 1 और -2 1 1 और -2, नीचे की जो यूनिट्स हैं वो हमारे फाइनल आंसर की यूनिट्स होती हैं, फाइनल आंसर में डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, मास ग्राम में है और टाइम आपका सेकंड में, इतना कर लीजिए। अच्छा खैर 36 आ गया, जो फाइनल आंसर चाहिए वो सीजीएस में चाहिए, तो यहाँ पे कुछ भी आपको एमकेएस में नहीं छोड़ना है, तो केजी की जगह क्या करेंगे 1000 ग्राम करेंगे जिससे कि ये सीजीएस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, मीटर की जगह क्या करेंगे 100 सेंटीमीटर करेंगे जिससे यहाँ पर भी सीजीएस मामला बन जाए, और मिनट की जगह क्या करेंगे 60 सेकंड करेंगे जिससे यहाँ पर भी सीजीएस का ही मामला सेट हो जाए। अच्छा जी इतना कर लिया सर, ग्राम ग्राम तो उड़ गया होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर उड़ गया होगा बिल्कुल, 1000 × 100 क्या हो गया 1 2 3 4 5 सर ये सेकंड सेकंड उड़ गया होगा, लेकिन 60 की पावर तो -2 है,
नीचे ले जाइए सर, नीचे ले जाएंगे तो 60 की पावर प्लस 2 हो जाएगी, 60 की पावर प्लस 2 का मतलब होता है 3600, 3600 हो गया, इसको आप बढ़ा दीजिए ऐसे करके, तो बचेगा कितना 1000, तो N2 की वैल्यू आई मेरे बच्चों कितनी 10 की पावर 3 यानी 1000, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको लिखना कैसे एग्जाम में, लिखना ऐसे कि सर ने फोर्स की वैल्यू निकाल ली है, 10 की पावर 3 आ गई है ग्राम सेंटीमीटर पर में सेकंड स्क्वायर, और बता दीजिए आपको समझ में अगर ना आया हो तो। आ गया ना, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।